मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने युवा धर्म संसद का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने साधु संतों का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर, योग गुरु बाबा रामदेव और श्रीराम मंदिर विन्यास के महासचिव चंपत राय शामिल हुए। सेवाज्ञ संस्थानम की ओर से राष्ट्रीय संगोष्ठी में 24 राज्यों के शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षाविद, मनीषी, संत और सामाजिक चिंतक शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवा धर्म संसद युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय विचार को युवाओं के लिए स्पष्ट करने का युवा धर्म संसद निर्णायक भूमिका निभाएगा। युवा शक्ति के प्रश्नों के समाधान के लिए युवा धर्म संसद एक सशक्त माध्यम है। इसमें देश भर के प्रख्यात व्यक्तित्व युवाओं की जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। भाइयों बहनों, 11 सितंबर 1893, जिसके बारे में अभी आदरणीय चंपत जी ने यहाँ बहुत विस्तार से बताया, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा अमेरिका में शिकागो में दिए गए उद्बोधन को आधार मानकर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें निश्चित रूप से हमारे देश की युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान किस प्रकार से सुनिश्चित करना है, यह संसद निश्चित रूप से उस दिशा में हम सबको प्रेरित करेगी। और इस कार्यक्रम के लिए स्वामी जी का अयोध्यावासी मिथिलेश नंदनी शरण जी का और उनकी पूरी टीम का मैं जितनी सराहना करूं उतनी कम है, मैं क्योंकि ये संस्था हमारे समाज में निष्ठावान एवं जागरूक युवाओं के चरित्र निर्माण के लिए अनेक वर्षों से काम कर रही है। अनेक इस प्रकार के प्रयास पहले भी किए गए हैं, जैसा आप सभी जानते हैं, और आप सब में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कार्यक्रमों में इनमें सहभाग करने का अवसर मिला होगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय संस्कृति को संपूर्ण विश्व के अंदर पहचान मिल रही है। भारतीय सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर योग और प्राणायाम को भी आज पूरा विश्व अपना रहा है। पूरे विश्व के अंदर इनकी आज एक मान्यता हो रही है। 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस, इसका हमारा प्रत्यक्ष हमारे सामने इसका प्रमाण है।